ये है गोपाल फोड़। कहानी बुद्धिमान का परिचय। यह क्या नकुल, तुम्हारे दिए गए हिसाब से मेरा हिसाब नहीं मिल रहा है। 4,000 रुपए की गड़बड़ी देख रहा हूँ। प्रजा में किसी को उधार दिए हो क्या? ना माने राजा को कर दिए हो? ना माने बोल रहा, ना माने राजा को कर नहीं दिए, प्रजा को ऋण नहीं दिए, तो पैसे गए कहाँ हैं? पैसे के क्या पंख हैं, उड़ गए? ना जमींदार महाशय, असल नकल मैं कुछ नहीं समझता, समझे? तुम 4 दिन के अंदर मेरे 4,000 रुपए ला कर दोगे, मुझे विशेष जरूरत है। एक बार गोपाल के पास चलूं, देखें अगर कोई उपाय निकाल दे। अच्छा नकुल, तुम इस 4 दिनों में खजाने से कितने रुपए चुरा सकते हो? यही लगभग और 5,000 रुपए। पहले तुम मुझे रुपए ला कर दो, फिर मैं सोचूंगा तुम्हें कैसे बचाया जाए, समझे? ठीक है गोपाल, जब तुम मुझे अवैध दान दे रहे हो तब मुझे कोई चिंता नहीं है, आ रहा हूँ। यह लो गोपाल, तुम्हारे कथनानुसार मैं 5,000 रुपए लाया हूँ। दो, अब तुम 2-3 दिनों के लिए कहीं छुप जाओ, 2 दिन बाद मुझसे इसी समय यहीं आकर मिलना। ठीक है गोपाल भाई। जमींदार महाशय, सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ है? हिसाब में 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, इधर नकुल का भी कुछ पता नहीं है, तो उसकी खोज में चारों ओर गुप्तचर भेजो, जहां भी उसे जिस अवस्था में पकड़ो उसे लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं होगी जमींदार बाबू। गोपाल तुम? जी हाँ जमींदार जी, मैं गोपाल हूँ, नकुल के लिए आया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलना है। नकुल के रिश्तेदारों ने मिलकर यह 3,000 रुपए इकट्ठा किए हैं, अब आप ही फैसला करें कि इस पैसे को लेकर नकुल को माफ कर दीजिएगा या फिर खजाना चोरी करने के जुर्म में सजा दीजिएगा। क्या बोलते हैं तहसीलदार, मेरे मतानुसार नकुल से 3,000 रुपए लेकर उसे छोड़ देना चाहिए। सोच कर देखिए जमींदार महाशय, 9,000 रुपए के नुकसान से अगर 3,000 रुपए कम हो जाए तो कम नुकसान होगा। ठीक है, तब रुपए जमा करो। ये लीजिए जमींदार जी। नकुल को तो मैं इस समय छोड़ दिया, लेकिन भूल कर भी वह इस इलाके में दिखाई ना दे। ये भी कोई बोलने की बात है? ठीक है मैं चलता हूँ। यह लो नकुल, तुम्हारे हिस्से के 1,000 रुपए। जमींदार की नौकरी तो छूट गई, अब यह पैसा लेकर कोई काम करो और अपने परिजनों को देखभाल करो और नशा को त्याग दो, समझे? तुम्हारी बातों का मैं सम्मान करता हूँ गोपाल भाई, लेकिन क्या एक बात पूछूं तुमसे? बोलो। यह 1,000 रुपए तुम कहाँ से पाए? यह सब बुद्धि का खेल है। तुम्हारे दिए हुए 5,000 रुपए में से 3,000 दे दिया जमींदार को, जिसके फलस्वरूप आज तुम मुक्त हो, और तुम्हें मुक्त कराने के लिए दक्षिणा 1,000 मैंने ले लिया और बचा 1,000 तुम्हें दे दिया। सचमुच गोपाल भाई तुम्हारी बुद्धि विलक्षण है, मैं तुम्हें महान मानता हूँ। तुम महान हो। कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल फोड़, आएगा गोपाल फोड़, देखिए गोपाल फोड़, ये है गोपाल फोड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगत लेकर
हंसी का तोहफा बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर करे देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छाप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा, बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़, बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़।